तो अब तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख लिया आपके लिए। अब हम लोग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फार्मूलाज देख रहे हैं जो आपकी अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे। तीन फार्मूला है, उन फार्मूला के प्रूफ भी एज ए आपको याद रखने हैं, एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फार्मूला, सबसे पहला वो ले लेता हूँ मैं आपका, क्या ये आई मेथड से जो हम लोग अभी लास्ट पढ़ा है तो उसी मेथड से हम लोग इसको यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, ये पहला फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो एज इट इज आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलो बताओ क्या आ रहा है इसका सीधा फार्मूला करके हम लोग करते हैं तो यस। तो अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसके साथ मैं वन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को वही तरीका करना है जो हम लोग करते हैं, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो किसको हम लोग फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, तो इसको फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड, ठीक है। अब जरा करते हैं आगे क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। चलो तो पहले वाला सेम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, और फिर इसके अंदर का करोगे तो टू एक्स माइनस जीरो, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन वन का एक्स होता है, ठीक है। ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, इस टू से ये टू आपका कट जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो जरा करते हैं इसी चीज को और अच्छे से, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो जरा आओ मेरे साथ सब लोग, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें ए माइनस कर दिया और ए प्लस कर दिया, हमें नीचे जैसा बनाना था, इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर मैंने कर दिया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, I बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा एक, तो ठीक है, एक ये आ जाएगी टर्म, और फिर ये माइनस इससे होगा तो माइनस ए स्क्वायर बाहर, वन अपॉन में अंडर रूट में यस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी है। अब ये तो आपका आई है, ठीक है, तो आपका आई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, सीधे इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, अगर याद हो तो याद करो, नहीं तो ये हम लोगों ने फोर्थ एक्सरसाइज में देखा था। अब यह इधर ले जाओ, तो आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलो अब ये टू नीचे ले जाओ इसके, तो ओवरऑल आई जो आपका था, जो आपका इंटीग्रेशन था, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सही से लिख देता हूँ मैं, आई हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले जाओ तो एक्स बाय टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये अच्छे से याद रखना है, कॉन्स्टेंट के नीचे टू जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो होगा तो कॉन्स्टेंट ही ना, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन इसी का अगला फार्मूला भी देख लेते हैं, वो भी ईजी है, तो अगला ले लेते हैं इसी का उल्टा, तो उल्टा ले लेते हैं क्वेश्चन, अब दूसरा ले लेते हैं, तो आई बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें सेम यहाँ पर वन ले लो, इसके साथ ये वन हो गया, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। तो पहले वाला सेम, बाय पार्ट लगाओ, पहले वाला सेम, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर सेम, और इसका इंटीग्रेशन वन का एक्स हो गया माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका ओवरऑल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स अपॉन में माइनस टू एक्स आएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, सही लिख रहा हूँ मैं, एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन इन टू एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लेना, इसका रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स होएगा, फिर इसका करोगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, वो कट जाएगा, माइनस बाहर लिख दिया मैंने, वो टू से टू कट जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख दो ऐसे अच्छे से, तो एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय, अब नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
इसमें क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का बनाना है ना, तो इसको मैं माइनस बना रहा हूँ और ये भी माइनस लिख रहा हूँ अलग से। एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट में होल स्क्वायर, ये बना दिया मैंने। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो i बराबर आपका आ जाएगा x, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो माइनस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर बाहर वन अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो आओ जरा इसी चीज को देख लेते हैं हम लोग। तो i बराबर ये i हो गया आपका, तो उधर ले जाके सीधे i प्लस आई टू आई हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो बचेगा क्या, x सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और इसका हो जाता है आपका साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आई नीचे ले जाओ तो x बाई टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, किस चीज का इंटीग्रेशन था आपका, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था ये आपका, विच इज इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये भी आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। फिर अगली बात करता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट तीसरे फार्मूला की, जिसमें प्लस लिख दो बस आप, सिंपल है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आई मान लिया, यहाँ पर वन लिख दिया, ये डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे बाय पार्ट लगाते चलो। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सॉरी सॉरी इसका नहीं पता हमें इंटीग्रेशन, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है, हमेशा सेकेंड उसको मानोगे जिसका इंटीग्रेशन कर सको। तो अब इसको आगे सॉल्व करते जाओ, तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन वन का एक्स माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन पहले वाले का डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आप लोगों का। तो ये एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करके देख लेना यही आएगा, इन टू एक्स डी एक्स वन का एक्स, ठीक है, करके देख लेना इसको याद से कि भाई वन बाय टू रूट एक्स हो गया, फिर इसका करोगे तो टू एक्स, टू से टू कट जाएगा वो ये बच जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे करते हैं बात, ठीक है, फिर अब मेरे को ये इसका एक्स स्क्वायर बन गया, तो आई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, अब इसमें प्लस ए स्क्वायर कर दो, माइनस ए स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में लिख दो, होल स्क्वायर कर दो, खत्म काम, ठीक है। अब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका, x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो ये आपका बच जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर और वन अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर ले जाओ तो आई प्लस आई टू आई हो जाएगा आपका, सीधे कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू यस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको देखोगे तो इसका होता है लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट में यही टर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आई बराबर आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल, एक्स बाय टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर, इसी की सीध में लिख देता हूं, इसके सीध में अंडर रूट में, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आपके पास इंटीग्रेशन आए तो एक्स बाय टू यही टर्म प्लस ए स्क्वायर बाय टू और ये आ गया आपका लॉग में एक्स और ये टर्म, तो ये टर्म आ गया आपके पूरी सेम एज इट इज। तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने, देखो याद करने का तरीका बहुत ईजी है, देखो x बाय टू सबों में x बाय टू x बाय टू x बाय टू, फिर उसके बाद आपके यही टर्म है, इसके बाद यही टर्म है, इसके बाद यही टर्म है, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ ए स्क्वेयर के आगे माइनस है, यहाँ ए स्क्वेयर के आगे माइनस है, बट यहाँ ए स्क्वेयर के आगे प्लस है, तो इन दोनों में प्लस प्लस है, ये याद रखना। तो ए स्क्वेयर बाय टू ए स्क्वेयर बाय टू ए स्क्वेयर बाय टू, फिर इनके वन अपॉन वाले फार्मूला है, अगर ये वन अपॉन में होता है तो ये फार्मूला आता है, ये वन अपॉन में होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाय आता है, और ये वन अपॉन में होता है तो ये, तो ऐसे आपको ये याद रखना, ठीक है।